साथ में, तो आप नोट भी कर लीजिएगा, दो तीन पॉइंट है इसमें। तो जैसे आपका जो सवाल है वो सवाल है नौकरशाही में, आपका कहना है कि यहाँ जो प्रस्तुत हुआ ऑप्शन पॉइंट नंबर डी वो क्यों नहीं होगा। कारण ये था कि वो प्रश्न में अगर हम बात करें तो वहाँ एक शब्द था उदासीन, और उदासीन से हम इसको एलिमेंट कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव शब्द है, पहली चीज, या इससे आप एलिमेंट कर सकते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर अंतर्गत हम बात करें, नौकरशाही शब्द बेसिकली फ्रांसिस भाषा के शब्द से ब्यूरो से बना हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ब्यूरो से बना हुआ है, और ये कौन सा है, तो ये फ्रांसिस भाषा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस भाषा। अब इसका मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का जो अर्थ बनता है नौकरशाही का, तो नौकरशाही का अर्थ बेसिकली मेज प्रशासन होता है। क्या होता है? मेज प्रशासन होता है। अब मेज प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो जैसे नियमों का, नियमनों पर निर्भर का होना बताता है, ठीक है, अव्यक्तिक संबंधों को बताता है, नियम और प्रक्रियाओं का बड़ा पक्षकार होता है, या पक्षकार की प्रक्रिया में बात करना, यानी एक पक्ष पर बातचीत करना, चाहे वो केस वर्क हो, चाहे वो ग्रुप वर्क हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क हो, उस पर बात करना, तो ये परिपेक्ष जो है नौकरशाही का रूप ले लेता है। तो इसलिए पहला तो ए बी सी तो आपका करेक्ट था, क्योंकि इसका तात्पर्य यही होता है कि कार्यालयों द्वारा प्रबंधन, कार्यालयों द्वारा प्रबंधन, प्रबंधन। अब इसमें मैं आपको बताऊं, नौकरशाही अपनी भूमिका के कारण है ना, अपनी भूमिका के कारण बेसिकली नकारात्मक संदर्भों में प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द बन जाता है, नौकरशाही शब्द है ना। तो शासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी को ही नौकरशाही कहा जाता है। तो कार्यालय के विशेष सुविधा और अधिकारों के प्रति उदासीनता का होना, देखो अधिकारों के प्रति और सुविधाओं के प्रति इसका जो है उदासीनता का परिप्रेक्ष्य नहीं होता है। जैसे आपने एक बड़ा पक्षकार की बात करेंगे, अव्यक्तिक संबंध की बात करेंगे, आप नियमों पर निर्भरता की बात करेंगे, तो वहीं आपको उस सुविधाओं और अधिकारों की भी बात होनी चाहिए एज अ पॉजिटिव में, ना कि उदासीनता में। मतलब इसका मतलब है कि अभाव है, कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं एलिमेंट कर दूंगा कार्यालय के विशेष, और विशेष बेसिकली क्या, रिसोर्सेज ही तो है, विशेष विशेष आपका क्या आ जाएगा, संसाधन, ठीक है। और ये सब हमेशा पॉजिटिव में आते हैं, हमेशा संसाधन हो, उपकरण हो, तकनीक हो, ठीक है, और रिसोर्सेज के साथ संसाधन, और आप ये भी कह सकते हैं सुविधा हो, अधिकार हो, नियम हो, ये सब पॉजिटिव शब्द होते हैं नौकरशाही में, इनको कभी एलिमेंट नहीं कर किया जा सकता है, ठीक है। इनकी यहीं से पहचान होती है कि ये नौकरशाही शब्द है, इन्हीं से जो है इसकी आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। उदासीनता, उदासीनता का अर्थ होता है सर एक प्रकार से, जैसे सिंपल आप क्या कह सकते हो कि कोई ऐसी क्रिया हुई हो जहाँ आपको नेगेटिव पक्ष में, उदासीनता का तात्पर्य ये होता है कि वो कार्य बड़ी मंद गति से है, आप ऐसा भी दर्शा सकते हैं उदासीनता है ना। अब आप सिंपल सी बात होती है कि उदासीनता को कभी हम थोड़ी कहेंगे कि भाई मान ली कोई भावना है वो कमी को, तो भावनाएं कमी के रूप में कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है, कभी भावनाएं कमी के रूप, अब जब भावनाएं कमी के रूप में आएगी तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे अवसाद है, कोई डिजीज है ना, कोई नशीली चीजें हैं जो गलत इस्तेमाल हो रही हैं, उसको उदासीनता के रूप में रखा जाता है ना। तो चिकित्सकीय देखभाल में ये ज्यादातर यूज होता है उदासीनता का शब्द, लेकिन नौकरशाही में यहाँ पे यूज किया तो इसका मतलब ये है गलत स्टेटमेंट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था आपकी जो डाउट, मैंने आपके उन डाउटों को बात कर रहा था, अब बात करेंगे प्रश्न, और ये प्रश्न 2019 का है और ये जून सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है। DSSSB की बात करें या ESIC की बात करें या एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात करें, UGC नेट की बात करें, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है ना, ये सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है। और बड़ा आसान सा पहला ही सवाल कि किस वर्ष लंदन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, चार ऑप्शन आपके सामने, जरा बताइए। देखिए किसी महान भाव ने 1899 भी जवाब दे दिया है मुझे, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाने वाला है वो 1869 है भैया यूके का, और 1877 कहाँ की है बताइए, यूएसए की है, अमेरिका। हाँ बुफायलो, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो यहाँ आपका जो स्टेटमेंट जाने वाला है वह ऑप्शन आपका पहला करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट माना जाएगा। तो ये यूके का प्रश्न हमसे पूछा गया था, यूके का ही पूछा गया था। अच्छा, इसकी स्थापना में अगर
बात करता हूँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की, तो आप क्या कहना उचित समझेंगे? बहुत बढ़िया जवाब आया भाई, बहुत बढ़िया जवाब आया है, यह सही स्टेटमेंट आपने दिया है मुझे। ठीक है, ठीक है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूके, आप जब भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज का स्थापना 1869 में हुआ था। देखिए हालांकि नाम हमें पता है, एक्टिविया हिल का नाम आता है, लेकिन साथ ही साल मैं आपको बताया है इससे पहले भी नाम, एक नाम उसका नाम मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, गेसल्स मिनट का नाम मैंने पहले बता रखा है, वो भी हमारे लिए नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया है दो ऐसे विद्वानों के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले नाम आपको पता है एक्टिविया हिल का नाम, एक नाम आता है आपने नाम सुना होगा हेलन, है ना, एक नाम आता है एक्टिविया हिल के साथ साथ किसका नाम आता है, हेलन का भी नाम, हाँ हेलन। देखो एक नाम अगर हम बात करें बुफैलो वाले में, तो बुफैलो वाले में किसका नाम आता है, एल्बर फेल्ड का, हाँ एल्बर जो है एल्बर फेल्ड का, और हमप्रीट गुटरिन का भी नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नाम गुटरिन का नाम जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, और एलन का नाम और एक्टिविया हिल का नाम और गेसलमेंट का नाम, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो है यूके में मिलता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को जो है यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और ये 1899 ये कोई ऑप्शन नहीं, इसको आप एलिमेंट कर दीजिए, 1879 भी आप यहाँ पे एलिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना यही है, इनका जो ये जो सोसाइटी लाई गई थी इनकी स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि गरीबों के लिए एक एक प्रकार से जो उनकी मांग है, जो उनकी नीड है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, खासकर ये खास इसकी जो है मानी जाती है एक प्रकार की उद्देश्य या उसका एजेंडा आप कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने नाम सुना होगा मैकेडेंसी करके, इसका फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है हमसे कि भाई उसका फुल फॉर्म बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप द लंदन चैरिटी लगाइएगा, द लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो है नाम आता है हमारे सामने रिप्रेसिंग मेडिकेंसी का नाम आता है, इसका फुल फॉर्म भी एक बार परीक्षा में आ चुका है, शायद ये लास्ट टाइम में ही आया था, आई थिंक मुझे जानता हूँ, हाँ लास्ट टाइम आया था, तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता, तो मैं कहूँगा केवल आप द लंदन शुरुआत में याद रखिए, बस शुरुआती के जो शब्द है द लंदन है बस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं जब आपकी थ्योरी पढ़ा रहा था इस पर हिस्ट्री, तो मैंने इसका जो है नोट भी करवाया है आप लोगों से इसके बारे में, है ना। अगला सवाल देखिए, अब देखिए ये प्रश्न आपको समझिए कि परीक्षा में आने वाले ऐसी, अब जरा मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि आप कितना जानकार हैं ग्रामीण समुदाय के संबंध में, कितनी बातें आप जानते हैं शहरी समुदाय के संबंध में, तो जरा आप बताइएगा इस प्रश्न का जवाब, आप ही पढ़िए आप ही बताइए जवाब, फिर उसके बाद मैं पढ़ के बताऊंगा, पहले आपके मैं जानना चाहूंगा उत्तर, बताइए प्लीज। चलो ठीक है, ऑप्शन सी, यानी यहां पर ये वाला ऑप्शन आपने चुना, ठीक है, और चलो पढ़िएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने दिया है एक सवाल केवल आपको करने के लिए, दो नंबर का सवाल दिया है, बस नीचे कूट भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं केवल ऑप्शन सी ही हो सकता है और भी ऑप्शन इसमें से मैच हो सकते हैं, और भी कूट, अच्छा फर्स्ट फर्स्ट भी आएगा और डी भी आएगा, ए और डी, ठीक है भाई, ए और डी भी दिया गया है ऑप्शन में और आपने सी भी यहाँ पर दिया है किसी बच्चे ने, बस चलो अब मैं बताता हूँ, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेंगे, आपको अगर इस तरीके का सवाल करना है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात ग्रामीण समुदाय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास, अब देखिए लिखा भी है कि ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संपर्कों की प्रधानता प्रदर्शित होती है,
अगर मैं बात करूं प्राथमिक संपर्कों को लेकर प्रधानता की बात कर रहा है, तो प्रायोरिटी दी जाती है ग्रामीण समुदाय में, है ना। तो अगर आप भलीभांति तरीके से, अगर मैं आपसे चर्चा करूं ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में अंतर, तो ये बात आप खास कर ध्यान रखिएगा। प्राथमिक संपर्क की प्रक्रिया में अगर मैं जिक्र करूंगा तो तय है कि वो ग्रामीण समुदाय को रिलेट कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका अंतर में ये पहली पॉइंट जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये करेक्ट अभी तक जा रहा है। दूसरा कहा कि शहरी समुदायों को गौण संपर्क की विशेषता कही जाती है। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपसे ग्रामीण समुदाय की बात करूँगा तो वो प्राथमिक के नाम से जानी जाती है। द्वितीयक समुदाय की अगर हम लोग बात करें तो हम उसे गौण का भी नाम देते हैं और उसे हम शहरी समुदाय का नाम भी देते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात देखो, अगर मैं बात करूं शहरी क्षेत्रों में कस्बे जैसे क्षेत्र शामिल है, गांव में गांव और बस्तियां जैसी चीज़ें शामिल है। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या जो होती है बहुत अधिक होती है, इसमें एक निर्मित वातावरण की विशेषता पाई जाती है शहरी में। लेकिन गांव में ना ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बाहरी इलाके जो है स्थित होते हैं, ठीक है। और जो शहर है उस शहर में अगर हम बात करें तो जीवन जो है तेजी से घटित होता है, लेकिन गाँव में अगर हम बात करें जीवन बहुत सरल और आरामदायक होता है गांव में। अब फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, शहरी समुदाय में व्यक्ति के दर्जे का निर्धारण प्रदत्त यानी इंस्क्रिप्शंस मुख्य सिद्धांत है, जबकि ग्रामीण समुदाय में उपलब्धि है, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें ऐसे क्षेत्रों में सामाजिकता की स्तर जो है अत्यधिक गहन होता है, ना कि प्रदत्त। देखो एक्वायर का पार्ट अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण, यहाँ उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक है। तो प्रदत्त यानी डाटा अगर कलेक्शन की बात करते हैं तो मुख्य प्रिंसिपल्स आपका गांव से है, ग्रामीण से, ठीक है। और ग्रामीण शहर में जो होता है वो उपलब्धि का पार्ट होता है, भाई लोग प्लान करते हैं शहरों की तरफ में, तो इसलिए ये उल्टा कर दिया है, इसलिए मैं इसको कहूँगा एलिमेंट कर दीजिए। शहरी समुदाय में अगर हम बात करते हैं तो समूह के संगत बनाने की प्रवृत्ति में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है, जबकि ग्रामीण समुदाय में या कम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर अधिक प्रभावी होता है। जब हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल वगैरह की बात लेकर, ठीक है, तो कहा रहा है कि भाई ग्रामीण समुदाय में इस काम में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण अधिक होता है। देखिए सामाजिक नियंत्रण का यानी अगर फॉर्मल सोशल कंट्रोल की बात करते हैं तो ये जैसे कि शहरी क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। अब आप सोच भी सकते हो इसके भलीभांति तरीके से कि जहाँ भाई मान लीजिए 150,000 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, तो उसके अंतर्गत हम बात करते हैं और वो प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं तो अनौपचारिक तरीके से नियंत्रित होती हैं, तो अनौपचारिक बनेगा आपका गांव में, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर भी उल्टा कर दिया है। देखिए यहाँ संगत बनाने की प्रवर्तनीय क्षेत्र में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है अनौपचारिक तरीके से, और ये प्रक्रिया आपकी गाँव में होगी ना कि शहर में होगी। और फिर औपचारिक सामाजिक नियंत्रण मतलब एक प्रकार से फॉर्मल तरीके से मानदंड रूल रेगुलेशंस के तरीके से यूज हो रहा है, तो वो शहर में होता है ना कि गांव में होता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर भी उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका एलिमेंट गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। हमसे पूछा है कि भाई ग्रामीण और शहरी समुदाय के बीच में अंतर का सही विषय में चयन करिए। ग्रामीण समुदाय की तुलना में शहरी समुदाय में सामाजिक अनुकूलता की अधिक होती। देखिए ये बड़ा आसान सा है और ये भी ईजी है, यानी ये करेक्ट है। सिंपल सी बात, आप सोचो एक बार कि ग्रामीण समुदाय की तुलना में अगर मैं शहर समुदाय की बात करूंगा तो सामाजिक अनुकूलता अधिक पाई जाती है और अधिक आवश्यकता होती भी है उसकी, क्योंकि विभिन्न है ना, विभिन्न जगह के लोग हैं, यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। तो उसमें हमें एडजस्ट होना है, तो उस प्रक्रिया को हम अनुकूलन के रूप में रख लेते हैं। तो सही जवाब यहाँ पर जो आप में से किसी बच्चे ने ए और डी का, तो ए और डी इज द राइट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ आप देख भी सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड ए और डी दिया गया है और थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ें और अच्छे से देखिए, ये फैक्ट वाला सवाल है, आप फिर इसको जवाब दीजिए जिस तरीके से आपने पिछला सवाल जवाब दिया है, इसी तरीके से दीजिए। बताइए सामुदायिक संगठन में सामाजिक योजना का प्रारूप प्रस्ताव किसने दिया है? रोथमैन, ओके, ओके। सामुदायिक संगठन में रोथमैन, आपने नाम सुना भी होगा रोथमैन के बारे में,
हाँ, जैक रोथमैन, बिल्कुल। देखो, सामुदायिक संगठन के जब हम मॉडल्स वगैरह के बारे में बात करते हैं तो हमारे हमारे मन में तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उन तीनों बात इन तीनों बातों के बारे में आपको पता भी होगा। मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में। रोथमैन ने बेसिकली एक मॉडल दिया, उसका नाम था अस्थानी, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, और एक का नाम था समाज कार्य मॉडल, समाज कार्य का मॉडल, और एक था सामाजिक क्रिया का मॉडल, एक था सामाजिक क्रिया का मॉडल। ये तीन मॉडल थे, और तीन मॉडल्स जो दिए गए थे, ये मॉडल्स दिए गए थे रोथमैन के द्वारा, रोथमैन के द्वारा, ठीक है। एसोसिएशन के तीन मॉडल्स इसको माने भी जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे जब बात करता हूँ अस्थानी को लेकर, तो वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया आती है, सहयोग आता है, स्वयं सहायता आता है, अस्थानी नेतृत्व आते हैं, उद्देश्य आते हैं। तो ये पांच एकल आवश्यक तत्व हैं जो बेसिकली प्रभावशाली भागीदारी के लिए बहुत ही आवश्यक बन जाता है ना, स्थानीय लोगों की क्षमता और स्थानीय लोगों की भागीदारी के स्तर को वृद्धि करने के संबंध में होता है, ठीक है। तो वह परिप्रेक्ष्य क्या होता है आपका, स्थानीय मॉडल को दर्शाता है। सामाजिक कार्य का जो मॉडल है, तकनीकी और प्रक्रिया को मंजूरी देता है। सामाजिक कार्यशाला मॉडल बेसिकली अर्थशास्त्री और नियंत्रक परिवर्तन पर केंद्रित आधारित है, इसलिए इसको कार्य योजना का मॉडल भी बोला जाता है। तो कार्य क्रिया में अगर हम बात करते हैं तो इसी प्रक्रिया को कार्य योजना का प्रारूप बोला जाता है। कार्य योजना का प्रारूप में जैक रोथमैन का नाम आता है। ऑप्शन आपने जो जवाब दिया है बी वाला ऑप्शन, और ये करेक्ट जवाब है। ये समस्या समाधान की प्रक्रिया के एक उद्देश्य से किया जाता है, सामाजिक योजना का प्रारूप, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। फैक्ट वाला सवाल था और ये दूसरा मॉडल के अंतर्गत आता है, उसी का नाम है ये। देखिए, अब अगला सवाल अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे सामने इम्पोर्टेंट है, लिंकर्ट स्केल है। लिंकर्ट स्केल की संरचना के संबंध में क्या स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ये आपको ढूंढना है, इसमें से कौन सा गलत है। लिंकर्ट स्केल, सी वाला गलत है। सभी की जांच की जा रही है घटना के। ओके, जवाब बताइए, जवाब बताइए। लिंकट इसके लक्ष्य की संवेदना की गहन मापन नहीं, तो सत्य है सर। हाँ, गलत में ढूंढना, गलत। ए और सी, बिल्कुल सही जवाब आपका। यहाँ पे देखिए, सभी घटकों का एक विषय वस्तु का संबंध होना, और ये बात लिंकट स्केल है। सभी कंपोनेंट जो होते हैं एक ही विषय वस्तु के रूप में संबंधित होते हैं, और ये बात सही है, लिंकट स्केल है। और लिंकर्ट स्केल का लक्ष्य जो है संवेदनाओं की गहनता से माप करता है, ये भी दैट इज राइट है। अब घटक प्रश्न के रूप में ही होने चाहिए, ये ऐसा कहना उचित नहीं होता है, ये गलत है कि जरूरी नहीं। आप ये अगर प्रश्न के रूप में होगा तो प्रश्नावली का पार्ट बन जाता है बेसिकली, और ये यूज नहीं होता है। तो जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ, तो अगर मैंने कोई प्रश्न श्रृंखला बना के गया आपके सामने, ये बिहेवियर स्केल होता है, बिहेवियर मापनी होता है। तो अब जैसे अब मैं कोई चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न की श्रृंखला बनाया, प्रश्न को देखा, पढ़ा, फिर उसके बाद आपने उसका जवाब दिया, तो वो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे क्लाइंट ना अपने आप का असहमति या असहजता महसूस करने लगता है सेवार्थी। तो हो सकता है आपको बताने में, हाँ हो सकता है डेटा को बताने में सेवार्थी थोड़ा सा हिचकिचाए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप बातों बातों में पूछिए डेटा, बातों बातों में पूछिए, बात करते करते अच्छा ये आपके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। अब जरूरी नहीं कि दूसरा प्रश्न उसी से रिलेटेड हो, आप आगे बढ़ सकते हो किसी दूसरे पॉइंट, जब लगे आपको कि भाई सेवार्थी बताने में हिचकिचा रहा था, आप पॉइंट को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो वह ऐसे डेटा लिया जाता है, तो इसलिए प्रश्न घटक के रूप में ही होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर सही नहीं है। और सभी घटकों की जाँच की जा रही घटना के प्रति तथस्थ दृष्टिकोण भी होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, सभी कंपोनेंट के अंतर्गत बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर ए और सी आपने सही बताया है, यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, सवाल हमारे सामने ये आ गया है 55 की, वह शोध अभिकल्प जिसमें एक किसी एकल काल बिंदु, इसकी इंग्लिश जरूर देखिएगा, वह शोध अभिकल्प जिसमें किसी एकल काल बिंदु में नमूना, नमूना मतलब सैंपल होता है, के संग्रह की आवश्यकता होती, बताइए क्या कहलाएगा। एक है कोहार्ट जिसको संगणक कहते हैं, एक है अनुदैर्य्य, एक है अनुप्रस्थ काट, और एक है कार्य। अब देख लीजिए एक बार इसकी इंग्लिश, है ना, इंग्लिश भी देख लीजिए प्लीज,
ताकि आपको और आसान लगे सवाल। देखिए जरा एक बार कि द रिसर्च डिज़ाइन दैट, अगर हम बात करते हैं इंटेल्स है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो सैंपल इन केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या होगा? ओके जी, देखिए क्रॉस सेक्शनल बिल्कुल अनुप्रस्थ काट, क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा। देखिए यदि अनुप्रस्थ काट में सभी कोशिकाएं एक समान ऊंचाई में दिखाई देने लगती हैं, या आप ऐसे कह लीजिए कि कुछ एक ऐसी प्रक्रियाएं जो एक अवस्था के रूप में रिप्रेजेंट हो रही हो, एक एक स्टेज के रूप में रिप्रेजेंट हो रही हो, तो इस संबंध में हम उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल। इसने कहा कि एकल काल बिंदु में सैंपल के संग्रह की आवश्यकता होती, एकल काल बिंदु में आप डिज़ाइन बना रहे हो और उस डिज़ाइन के दौरान कोई मतलब अविकल्प आप बना रहे हो, अविकल्प में दो ही, देखिए यहाँ तो आपका पॉइंट पहला और फोर्थ तो कट गया था, अविकल्प में दो ही बात आती है, एक तो अनुदार्य आएगा एक अनुप्रस्थ आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक से अधिक वाली प्रक्रिया में, मोर देन वाली प्रक्रिया में, तो उस मोर देन की प्रक्रिया में अनुदैर्य होता है, और अगर हम बात करते हैं एकल पॉइंट में तो वो क्रॉस सेक्शनल होता है। ये पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन हमारे सामने एक शब्द ऐसा भी है जो कि ये भी सवाल बनाता ही है, कोहर्ट एक ऐसा शब्द है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद इसके बारे में जानते भी हैं। कोहर्ट, कोहर्ट एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मतलब एक आप कह लीजिए कि जत्था, जत्था मतलब जैसे अगर मैं कोहर्ट उसे भी बोलते हैं हम लोग बोलते हैं जो रोम, रोम की एक सेना का अगर दल है उसे भी कोहर्ट ही कहा जाता है ना, उसको भी कोहर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सहकर्मी के रूप में रखते हैं हम कोहर्ट को, कोहर्ट सब कोई मान लीजिए जनसांख्यिकी अध्ययन की प्रक्रिया अगर कहीं पूछेगा पेपर में आपसे, क्या पूछेगा, जनसांख्यिकी की प्रक्रिया अगर पूछेगा तो उस प्रक्रिया में कोहर्ट शब्द का यूज होता है। अविकल्प में लॉन्गिट्यूजनल का यूज होता है, क्रॉस सेक्शनल का यूज होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो मोर देन नंबर्स आते हैं, इसमें आप एकल पॉइंट को दर्शा सकते हैं, यानी एक यूनिट के रूप में एक केस को दर्शा सकते हैं क्रॉस सेक्शनल में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आप लोग शायद समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे फिर से बताइए, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में। बिल्कुल देखो इनमें अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल शब्दों में आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आप इस पर प्रेशर ना डालें। जब कभी जन समाजकार्य में जनसांख्यिकी के डेटा को कलेक्शन की बात करेगा तो वो कोहर्ट एक स्टडी होता है, कोहर्ट एक अध्ययन होता है, तो हम उसको वहाँ पर यूज करते हैं जनसांख्यिकी में। जब मैं कभी डिज़ाइन की बात करता हूँ तो डिज़ाइन में मैंने किसी एक केस वर्क में मतलब आपका मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो वो क्रॉस सेक्शनल होगा, अनुप्रस्थ होगा। और मैंने अगर किसी ग्रुप का या किसी समुदाय का मैंने अगर वहाँ पर डेटा कलेक्शन करने की बात करूँगा अभिकल्प के आधार पर तो वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा, एक प्रकार से अनुदैर्य कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे सामने एक फोर्थ पॉइंट है, एक्सपोज फैक्टो का नाम है, इसे हम लोग कभी कभी कहते हैं पूर्वव्यापी। पूर्वव्यापी का मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना, एक प्रकार से है ना, पीछे मुड़कर देखना, एक्सपोज फैक्टो के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जिक्र करते हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब प्रक्रियाएं रिपीटेशन के रूप में रखते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोज फैक्टो कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग, हेलो सर जी, तो है ठीक है, ये एक्सपोज फैक्टो है, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी तीसरा ऑप्शन। एक बार इसको हिंदी में भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, थर्ड और सेकंड में। अरे भाई देखो यहाँ पे एकल काल बिंदु है, ठीक है, और एकल काल बिंदु ना समझ आए तो केस समझना चाहिए हमें, इंग्लिश सिंपल एज सिंपल्स ऑफ केसेस एट अ सिंगल पॉइंट। हम एक डेटा पर बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति पर बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल है। मैं अगर सिंगल की बजाय मोर देन कर दूं और पॉइंट्स लेने की बात कर दूं और डेटा लेने की बात कर दूं तो बताइए क्या पार्ट आएगा,
एकल पॉइंट आपका लॉन्गिट्यूडनली एकल पॉइंट जो होता है आपका क्रॉस, हाँ, और अगर मोर देन की बात करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल, बस यही समझना है, अभी भी समझ नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, बोलो यस या नो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अपने मन से आप लोग करेंगे अभी ये सवाल। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य नहीं है भाई, अगर आप यहाँ पे पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य क्या है, प्लीज। अच्छा जी, चलो मैं बताता हूँ, आप ध्यान सुनिए, अच्छा अब ध्यान सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिएगा। बेसिकली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा गर्भ निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मचारी और एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतृप्त मांगों को पूरा करने के लिए अविलंबन लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी, जहाँ मैंने गर्भ निरोधक शब्द को रिलेट किया, स्वास्थ्य को रिलेट कराया, स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी ना की गई अपेक्षाओं को पूरा करना, बिल्कुल बात सत्य हो जाएगी यहाँ पर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मूलभूत प्रजनन संबंधी बाल स्वास्थ्य देखभाल की समेकित सेवा प्रोवाइड कराना, बिल्कुल, देखिए कुल प्रजननता को प्रतिस्थापन स्तर यानी दो बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना, जो इसका मध्य सत्रीय लक्ष्य रखा गया था, हालांकि आपको बता दूं 2045 तक जनसंख्या को क्या करना है, स्थिर करना है, इसका दूरवर्ती लक्ष्य रखा गया है, तो दूरवर्ती लक्ष्य कितना रखा गया है, 2045 तक रखा गया था, ये बात अभी आपको ध्यान रखना है, इस बार हो सकता है 2045 लिखा हुआ आपके पेपर में मिले। फिर का कुल प्रजनन दर बेसिकली अंतर भागीय प्रचलनात्मक कार्यनीति पर जोर शोर से लागू करना और 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है, प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। देखो प्रतिस्थापन स्तर जो है मतलब एक प्रकार से परिवर्तन या चेंजेस या बदलाव की बात 2010 तक है कुल प्रजनन दर, ये भी बात आपकी करेक्ट है। वर्ष 2013 तक जनसंख्या का ह्रास का लक्ष्य को प्राप्त करना, ह्रास का क्या लक्ष्य प्राप्त करना भाई, तो ये आपका गलत है, बेसिकली ऑप्शन आपका जो फोर्थ आ रहा है यहाँ पे ये गलत है, और प्रश्न पूछा गया है बताइए कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आप इजिली कह सकते हो कि जो ऑप्शन फोर दिया गया है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, फोर वाला ऑप्शन सही जवाब दिया है, बड़ा ही आसान सवाल था, आप लोगों को पता होना चाहिए। मई 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आयोग को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा करने, निगरानी करने, निर्देश देने, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा पर्यावरणीय विकास कार्यक्रमों में सहक्रिया को बढ़ावा देने के साथ साथ इसको लाया गया था, ठीक है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो फोर जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामाजिक नीति के विशेष गुण बताइए जरा, प्लीज। चलिए और भी बताइए भाई, एक ही बच्चा केवल जवाब दे रहा है, देखिए या भावी लक्ष्य को और भावी कार्यविधियों के बारे में युक्ति संगत निर्णय पर ध्यान देता है, इसको सरोकार वितरणकारी और पुनः वितरणकारी के स्वरूप में होता है, बिल्कुल ये विशिष्ट गुण है। ठीक है, गुण तो सारे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई पर्टिकुलर अलग अलग शब्द दिया गया है, जैसे दिशा निर्देश सिद्धांतों पर बल देना, ये भी एक प्रकार से क्वालिटी है, सरकार को किसी विशेष कार्यविधि की दिशा प्रदान करना, मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होना, सारे पॉइंट्स हैं, परंतु यहाँ जो मेन बिंदु है वो आपका पॉइंट सेकंड है, यानी क्वेश्चन
नंबर जो हमारे सामने ये दिया गया है, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बी। सामाजिक नीति का विशेष गुण जो है सरोकार वितरणकारी और पुनः वितरणकारी के स्वरूप से होता है। कितने लोग जानते हो वितरणकारी, क्योंकि वितरणकारी से स्पष्ट होगा। अब ये वितरणकारी ना समझ में आए तो इंग्लिश देखो, जो आपको हिंदी ना समझ में आए सबसे आसान सा तरीका है इंग्लिश देखने का, है ना। चलिए बताइए जरा एक बार, ठीक है, वितरणकारी मतलब एक प्रकार से किसी चीज को आप नहीं कहते कहते कि भाई वहां तक वितरित हो जाए, बंटवारा हो जाए, मतलब किसी वस्तु अथवा सेवा को बांटने की क्रिया में अगर हम सोशल पॉलिसी की बात करते हैं तो वह बेसिकली वितरणकारी होता है। आप उसे रीडिस्ट्रीब्यूशनल भी या रीडिस्ट्रीब्यूटिव भी आप बोल सकते हो, है ना। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है, सामाजिक नीति क्या कहता है, सोशल पॉलिसीज क्या कहती है, सोशल पॉलिसीज यही आपको बताती है कि किसी वस्तु या किसी सेवा को बांटने की प्रक्रिया में हमें उन वहाँ तक की सारे जो नीति है, जो पॉलिसीज हमारी बनाई गई हैं, उनका लाभ जो है सभी के पास पहुँच सके। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वितरणकारी का तात्पर्य आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, किसी वस्तु अथवा सेवा को बांटने की प्रक्रिया को ही हम लोग वितरणकारी का नाम देते हैं। अगला सवाल, निम्न में से बताइए कौन सा अंतरजातीय विकास के बारे में सही नहीं है, ये आपके सामने जवाब है। प्लीज बताएं। ओके चलिए, एक बार आप लोग इसको इंग्लिश भी देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा आप सबको लेके, ठीक है। तो हमारे सामने बेसिकली दिया गया जो है अंतरजातीय विकास है, उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आप लोगों ने जानते भी होंगे। तो किन चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। अंतरजात जो विकास होता है, प्रश्न इज नॉट ट्रू, ओके जी, अब देखिए तो सही। बेसिकली प्रश्न जो बता रहा है आपसे अंतरजात विकास, अब मैं जो चीजें बताऊंगा उसको ढूंढने का प्रयास करिएगा। देखिए अंतरजात विकास वह विकास होता है जो मुख्य रूप से विशेष रूप से उन प्रक्रियाओं को परिप्रेक्ष्य में ना होकर एक स्थानीय रणनीति की बात करता है, एक स्थानीय रणनीतियों की बात करता है, ज्ञान संस्था और संसाधनों पर आधारित होने की बात करता है। इसमें स्थानीय समुदाय के भीतर से शुरू होने वाली अनुकूलन और नवाचार की एक सतत प्रक्रिया होती है। तो पॉइंट केवल याद रखना है, नवाचार और सतत प्रक्रिया, ये पॉइंट, ये प्रक्रिया दोनों है अंतर्जात विकास में। पहला कहता है कि यह इस विचार को अस्वीकार करेगा जो विकास और आधुनिकीकरण का एक समान होगा। देखिए अंतर्जात विकास का सिद्धांत मानता है कि आर्थिक विकास मुख्य रूप से अंतर्जात का परिणाम है, ना कि बाहरी ताकतों का है। अब बाहरी ताकतों का मतलब ये हुआ कि आप अस्वीकार करेगा कि विकास और आधुनिकीकरण एक समान है, ऐसा कहना उचित नहीं है। परिपेक्ष में हमारा कहना है कि अंतर्जात विकास के बारे में स्टेटमेंट में करेक्ट जो है ट्रू कौन है, सॉरी इनकरेक्ट कौन है, है ना, नॉट ट्रू मतलब वो सही स्टेटमेंट ना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यह प्रक्रिया शामिल है विकास और आधुनिकीकरण एक समान के रूप में होना के परिपेक्ष में, तो मैं कहूंगा इसे आप एलिमेंट के रूप में रखिए, ये सत्य है। इसका विचार विकास का लक्ष्य अपने अंदर में निर्मित होना चाहिए, मानव पूंजी नवाचार ज्ञान के निवेश आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई उसके अंदर जो है निर्मित होनी चाहिए विकास, ये भी सही है। इस विचार को अस्वीकार करता है कि विकास पश्चिमीकरण का एक समान है। पहली जो भी चीज़ें होती थी पश्चिमीकरण से या पश्चिमी संस्कृति से सारी चीज़ें ली जाती थी, और जब इस तरीके की बात आए उस पर आप सत्य का नाम लगा दें। अब कहता है इसका संबंध पश्चिमीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक और जो है सामाजिक सांस्कृतिक और सांकेतिक स्वीकृति से है। मतलब पश्चिमीकरण तो लिया लेकिन इसने कुछ अलग स्टेटमेंट दे दिया, और इस परिपेक्ष में
वो नहीं था बल्कि था अनुकूलन और नवाचार की बात, ज्ञान की बात, पूंजी की बात, आर्थिक विकास की बात थी, यह बात थी, सामाजिक सांस्कृतिक सांकेतिक बात नहीं थी। क्या था मैं नोट कर देना चाहता हूँ, ज्ञान था, नवाचार था, ज्ञान था, पूंजी थी, आर्थिक विकास था, ये पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक और सांकेतिक स्वीकृति नहीं थी। लोगों के लिए एक काम करने के बजाय उसके साथ काम करना, मतलब समझो अंतरजात का विकास का तात्पर्य क्या हुआ, लोगों के लिए काम करने के बजाय, लोगों के लिए काम मत करें, लोगों के लिए काम के बजाय उनके साथ काम करना, उनके साथ काम करना क्या कहलाता है, अंतरजात विकास कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, रोमर एक विद्वान है, कौन, रोमर, सन 1990 में एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था इंडो जेनस टेक्नोलॉजिकल चेंज, और इस किताब में इन्होंने अंतरजात विकास के बारे में बताया, ठीक है। अंतरजात का मतलब होता है जीव या प्राणी के भीतर उत्पादित या संश्लेषित प्रक्रिया को अंतरजातीय कहा जाता है, और विकास की बात होती है तो जब नवाचार, ज्ञान, पूंजी, आर्थिक विकास की बात होगी तब। यहां सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, थर्ड आपका सही रहेगा। अगला सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं ये पता है आपको मालूम भी होगा, गेटेड कम्युनिटी का प्रतीक किसे माना जाता है, गेटेड कम्युनिटी, बताइए गेटेड कम्युनिटी का प्रतीक क्या है, प्लीज। ओके, ओके, हिंदी देख लीजिए, ओके। देखिए गेटेड कम्युनिटी का जो सिंबल इसने पूछा, मतलब इन पड़ोसों में जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने की क्षमता को गेटेड कम्युनिटी कहते हैं। गेटेड कम्युनिटी, इन पड़ोसियों में जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करना गेटेड कम्युनिटी कहलाते हैं। तो गेटेड कम्युनिटी, देखिए बात को समझिएगा, पड़ोसों में जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने को बोलते हैं। अब सिंबल पूछा, तो सिंबल में देखो सामाजिक असमानता, स्थान परक असमानता, स्थान का निजीकरण होगा, और वितरित सार्वजनिक स्थान जो है गेटेड कम्युनिटी नहीं है, गेटेड कम्युनिटी नहीं है। गेटेड कम्युनिटी एक प्रकार से गेट निगरानी है ना, गोपनीयता को बनाए रखते हुए उसमें सुधार करने की बात करता है ना, गेटेड कम्युनिटी। तो घरों का एक समूह है जो दीवारों से घिरा होता है, जिसमें केवल वहां रहने वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, तो सामाजिक असमानता का पार्ट, स्थान परक असमानता का पार्ट। असमानता बेसिकली क्या है, रिलेट आप लोग सोचते हैं कि प्रक्रिया में संचालित जो होता है उन परिप्रेक्ष्य में इन इक्वालिटी की बात होती है, और इन इक्वालिटी की बात क्या करती है, क्योंकि कारण है भाई कि उसमें ये कहा गया है कि जो लोग उसमें रहते हैं वही लोग जा सकते हैं भाई, वही लोग निवास कर सकते हैं। और बता दूं मैं आपको कि राज वह कौन सा राज्य मतलब है जिनमें सबसे अधिक गेटेड कम्युनिटी है, तो कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में सबसे अधिक जो है गेटेड कम्युनिटी का घर है ना, सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सुरक्षा की भावना है इसमें,
दुखद वास्तविकता यह है कि चोरी और घर पर आक्रमण जैसे अपराध इन दिनों जो है वास्तविक चिंताएं या रीजन रहा कि पांच कारण से बेसिकली गेटेड कम्युनिटी को दर्शाया गया है, पांच ऐसे रीजन की वजह से, है ना। ठीक है, तो पहला बेसिकली क्या है, सुरक्षा, दूसरा समुदाय, तीसरा प्रबंधन, चौथा संपत्ति की वैल्यूज, पांचवा आवास। ठीक है, इस तरीके से अगर बात करते हैं गेटेड कम्युनिटी का नाम आता है। ठीक है, गेटेड कम्युनिटी में पांच कारण हैं, एक आवास है, दूसरा संपत्ति का मूल्य है, तीसरा प्रबंधन है, चौथा समुदाय और पांचवा सुरक्षा है। ठीक है, तो जवाब में अगर हम बात करेंगे आप लोगों से तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए बी सी आपका सही है। गेट गेटेड कम्युनिटी में समुदाय, सुरक्षा, ठीक है, प्रबंधन, संपत्ति का मूल्य और आवास, आगे देखिए, बहुत आसान सवाल, या किसकी अवधारणा है कि शक्ति उत्पादक और संबंधात्मक होती है, लोग संस्थाओं और समुदायों के बीच जटिल आचरण के जाल में अपने शक्ति का निर्माण करते हैं। मिशेल फूको की एक कथन है कि शक्ति उत्पादन और संबंधात्मक होती है जो लोग संस्थाओं और समुदाय के बीच जटिल आचरण के जाल से अपनी शक्ति का निर्माण करते हैं, वो मिशेल फूको है। ऑप्शन आपका पहला सही है। निम्न में बताइए कौन सा सामाजिक पद्धति के रूप में समुदाय के पांच स्थान संबद्ध विशेष सामाजिक कार्य है। अच्छा, ये देखो फैक्ट वाला सवाल है, सामाजिक पद्धति के समुदाय के पांच स्थान संबद्ध विशेष समाज कार्य दिए गए हैं, वो पांच कौन कौन से नाम हमारे सामने आते हैं। एक, उत्पादन वितरण खपत, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक भागीदारी और पारस्परिक सहायता, रेसिप्रोकल। तो ये पांच स्थान संबद्ध विशेष हैं। फिर से ध्यान सुनिए, उत्पादन वितरण खपत, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक भागीदारी, पारस्परिक सहायता। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल 62 नंबर का, मतलब 12 नंबर का सवाल, बताइए इनमें से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने विद्यमान स्थिति में असंतोष, मैंने ट्रिप बता रखा है असंतोष शब्द के आधार पर समुदाय के सामुदायिक संगठन के सिद्धांत का समुच्चय का प्रस्ताव है। सही, मुर्रे जी रोज। मैंने पहले भी आपको बता रखा है इसके 13 सिद्धांत है, इन 13 सिद्धांत में असंतोष एक ऐसा कीवर्ड है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया है, उस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। जैसे ही विद्यमान स्थिति में असंतोष का आधार पूछा जाए कि ये सिद्धांत किसका है, 13 सिद्धांत जो है मुर्रे जी रोज का है, 28 सिद्धांत डनहम का है, 8 सिद्धांत सिद्दीकी का है, पीटर बोल्डोक की बात करते हैं अगर हम लोग तो ये रणनीति में आते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति में। बाकी ऊपर के 3 आपके आते हैं सिद्धांत में, जिनमें से इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए है। आसान सवाल था, फैक्ट पर आधारित था ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अभी हाल ही में आप लोगों ने बात किया था, किसी बच्चे ने मेरे से ये बोला भी था, प्राधान्य की अवधारणा और बुद्धिजीवियों की भूमिका का आविष्कार किसने किया है, पाउलो फ्रेरे, मार्गरेट और एंजेला डेविड और अंटोनियो ग्रास्मिकी। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब
ऑप्शन जो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोगों ने अभी एक क्लास किया था, उसमें सिराज शायद आप ही का सवाल था ये, है ना। हाँ, निम्न में से कौन सा मॉडल जो है अभियान, अपील, याचिका, बहिष्कार और हड़ताल का प्रयोग परिवर्तन की रणनीति के रूप में करता है, बताइए। सामाजिक योजना का मॉडल, प्रणाली, पड़ोस का और समाज का। जब अभियान, अपील, याचिका, बहिष्कार, हड़ताल का प्रयोग करके परिवर्तन रणनीति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो वह मॉडल समाज कार्य का मॉडल कहलाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। पॉइंट को ध्यान में रखिए केवल, है ना। अगला सवाल, और बड़ा अच्छा सवाल है भाई, जवाब बताइए। अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 338 जो जवाब आया है वो करेक्ट जवाब है, और मैं आपसे कहूँगा इसे आप याद भी रखेंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था के अंतर्गत यह जो है जिक्र किया गया है 338 में। 338 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और आता है, और वो आता है ए। तो 338 का ए क्या है वो आपसे क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में प्रभावी किसी कानून या सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को प्रदान की गई सुरक्षा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा का प्रावधान है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद हमारे सामने एक अनुच्छेद आता है 340, कहता है कि सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में, किसके संबंध में, समाज प्लस शिक्षा के संबंध में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है, रूप से पिछड़ा या पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद 350 बी है। 350 का बी आर्टिकल्स क्या कहता है, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ऑप्शन ए, ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए विधायी लिखितों को उसके अधिनियम के सही कालक्रम अनुसार में आपको दर्शाना है। तो यहां अगर मैं बात करता हूं आपसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। देखिए पहले तो ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1976 होगा, फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 होगा, और फिर उसके बाद आपका अस्पृश्यता अधिनियम कब करें, 1989 है, ये 1989 है,
और ये आपका जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 है ना, और ये आपका जो बन जाएगा ये बन जाएगा 1955 बन जाएगा, और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2013 बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए सही है, जरा लगाइए एक बार क्रम में, कौन सा क्रम दिया, आरोही या अवरोही। अच्छा, इसमें कोई क्रम नहीं दिया है, इसमें आपको क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, पहले आप बी लगाओगे 1955। ठीक है, पहले आपने 1955 लगाया, फिर उसके बाद 1976 लगाओगे, फिर उसके बाद, बिल्कुल सही बात, फिर 2013। अब इस हिसाब से देखिए जरा ऑप्शन कौन सा है। हाँ, सेकंड आया है ना सिराज, ऑप्शन सेकंड सही है। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां सर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बेसिकली जब बात होती है इसके संबंध में तो इसका सही जवाब 1976 होगा। हालांकि यह अधिनियम या इस कानून, जो ये कानून है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का ही है, जो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के आचरण करने को दंड देने का प्रावधान बताता है। बात सही है, गलत नहीं है, परंतु इस अधिनियम में अगर हम बात करते हैं जहां आपको ये चीज़ें बताने का और समझाने का प्रयास किया जाता है कि समाज के उन वर्गों के लाभ को क्रियान्वित किया जाएगा जिनके साथ भेदभाव ना किया जाए, जो कमज़ोर हैं, जो अस्पृश्यता के करार दिया जाता है उनके साथ आप छुआछूत ना करें, इस तरीके के। तो ये 1955 के बाद सर 1976 में संशोधन करके इसका नाम रखा गया 76 में, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। पहले इसका नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ही था, ठीक है, इसका नाम यही रखा गया था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित है सर। और ये नाम परिवर्तित कब हुआ है बताइए एक बार जरा। हाँ, 76 ये आपका करेक्ट होगा। अब मुझे परिवर्तन लेना है, अगर मैं 55 ले लेता तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता। एनटीए ने देने का तात्पर्य यही था उसका कि ये देखो, जब भी कोई अधिनियम वगैरह आता है ना, पिछला कौन सा परिवर्तन है इस सवाल के आधार पे हमें उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, हमें उसकी प्राथमिकता देनी पड़ती है। पिछला जो सवाल था मतलब पिछले वर्ष में कौन सा संशोधन हुआ, कौन सा ईयर था, है ना, हमें उस पर फोकस करना पड़ता है। समझ गए आप मेरी बात, बताइए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बाय द वे पता चलेगा आपको, आपको कुछ चीज़ें पता हो और आप वो चीज़ें सोचने लगे जब से वो आया है, नहीं उसके संबंध में नहीं सोचना है, इस सवाल के आधार पर आप सोच सकते हो कि भाई देखो ये सवाल आ सकते हैं, है ना। तो विधायी के लिखितों के रूप में यहाँ पर अधिनियम ये जो है आपका क्रम जो है दर्शाया गया है, सही क्रम है। अब देखिए ये सवाल कि निम्न में से बच्चों के राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्थि घोषित किया गया था 1974 में। हाँ, राष्ट्रीय बालक नीति, बाल नीति कब आई थी, 1974 में आया था, तो बच्चों को राष्ट्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्थि घोषित किया गया, ये आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 1974। ठीक है, ये आपका सही रहेगा, फैक्ट था ये। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में बताइए, सही नहीं है। देखिए हरित का मतलब, हरित का मतलब में आप जब नाम आए तो पर्यावरण को सही कर लो, पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी मामलों में प्रभावी शीघ्र निपटान किया जाए, सही है। पर्यावरण संबंधी विवाद और बहुविषयक मामले में निपटाने हेतु विशिष्ट निकाय, सही है। देखिए बातें तो आपको क्लियर हो गई हैं, अब बचा है आपके सामने एक तीन और एक चार, इन्हीं में से ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों पर दिशा निर्देश की बात करेगा हरित अभिकरण वाला या अधिकरण की प्रक्रिया में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया में आबद्ध है, यह गलत है, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा, है ना।
तो यहाँ जो जवाब जाने वाला है वो ऑप्शन आपका थर्ड सही माना जाएगा। आसान सा सवाल था, केवल आप एक कीवर्ड को पकड़ो, माइंड पे रखो और उसी पे काम करना शुरू कर दो फटाफट। मेन चीज को पकड़ना जरूरी है। अगला सवाल, बताइए प्राधिकरण को पारंपरिक करिश्माई तथा तर्कसंगत विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक बार इसकी इंग्लिश देखिए, अथॉरिटी पैट्रिक ट्रेलर होगा, बता रहा है ओके। बिल्कुल। देखो आप सभी को पता है अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, प्राधिकरण होता है। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है बताइए। हाँ, अथॉरिटी होती क्या है? अधिकार। अथॉरिटी क्या होता है? अधिकार होता है। मतलब यह है कि हाँ, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि किसी गुट या संस्थान या किसी विशेष या कोई विषय या कोई क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए, तो निर्णय कार्य करने की एक ऐसी क्षमता को कहते हैं जो किसी राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। तो मान लीजिए कोई राज्य प्रदान कर रहा है, कोई केंद्र सरकार प्रदान कर रहा है, तो वह प्रक्रिया हमारे सामने क्या आ जाती है, एक प्रकार से अथॉरिटी आ जाती है। अथॉरिटी में बेसिकली शब्द है ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ट्रेडिशनल को हम लोग कहते हैं पारंपरिक कहते हैं, है ना। पारंपरिक एक ऐसी प्रक्रिया है, और कहने का तात्पर्य होता है कोई कार्य हो तो परंपरागत तरीके से हो तो सबसे बढ़िया है, ट्रेडिशनल तरीके से हो तो सबसे बढ़िया हो। तो व्यवहार करने या कुछ करने के तरीके पर आधारित अगर है कोई कार्य, है ना, व्यवहार करने पर या किसी चीज को करने पर आधारित है, तो वो बेसिकली ट्रेडिशनल है, है ना। फिर सुनिए, व्यवहार करने या कुछ करने के तरीके पर आधारित या जो लंबे समय से विशेष समूह या परिवार या समाज आदि के लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा हो, एक निश्चित समूह की परंपरा पर लागू है या पालन हो रहा है, तो वो ट्रेडिशनल है। आप लोग कहते हैं ना, हम लोग जब पुराने तरीके से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड होता है। वो कौन सा मेथड होता है? ट्रेडिशनल मेथड होता है, है ना, उसको बोला जाता है। और वहीं एक बात हमारे सामने आता है किसी करिश्माई शब्द को लेकर, है ना, तो इसे हम लोग कैरिज्मेटिक भी बोलते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया बेसिकली इस गुण से संबंधित होता है या किसी आकर्षण से संबंधित होता है, तो उन संबंधों में हम इसको जोड़ते हैं। तो करिश्माई व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। एक व्यक्ति जिसके पास विशेष गुण होते हैं, तो जाहिर सी बात है करिश्माई वाला व्यक्तित्व है, जो अन्य लोगों को आकर्षित कर दे, प्रेरित कर दे, मोहित कर दे, तो करिश्माई शब्द रिलेट हो जाता है। अब ऐसे ही बेसिकली मैक्स वेबर के कुछ शब्दों में सामाजिक क्रिया शब्द हो गया, ट्रेडिशनल शब्द हो गया, अथॉरिटी शब्द हो गया, है ना, करिश्माई शब्द। करिश्माई जिसे आप, अब आपने देखा होगा एक कोई भी मूवी देखते थे, कोई फनी व्यक्ति होता है, जैसे जॉनी लीवर का आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मानंद को आप लोग जानते होंगे, साउथ इंडियन एक एक्टर हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं, वो एक ऐसा काम करते हैं कि लोगों को अपनी तरफ मोहित करने की बात करते हैं, लोगों को अपनी तरफ प्रेरित करने की बात करते हैं, एक प्रकार से हसमुख वाली प्रक्रिया, हास्य वाली प्रक्रिया जो है वो लोग संचालित करते हैं, जहां आप लोगों का ध्यान क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाने है। तो वह प्रक्रिया करिश्माई शब्द से है। यहां जो शब्द रिलेट कराया उन्हीं शब्दों से रिलेट कराया गया है, आपको प्रेरित से लेकर आपको मोहित को लेकर, ठीक है, इन्हीं चीजों में ये शब्द जो है देखने को मिलता है, करिश्माई शब्द। और एक शब्द आता है रेशनल लीगल, जानते हैं ये शब्द किस चीजों को दर्शाया गया है? बताइए रेशनल लीगल। देखिए ये भी रेशनल लीगल, लीगल भी एक प्रकार के अथॉरिटी शब्द को ही रिलेट कराता है,
हाँ, तर्कसंगत विधि किसको हम लोग बोलते हैं या तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण हम लोग कहते हैं। तो कानूनी प्राधिकरण आधुनिक समाज का एक विशिष्ट विशेषता है सर, तर्क शक्ति की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करती है। जो तर्क शक्ति है, अब देखिए किस विद्वान ने तर्क शक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया, किस विद्वान ने प्राधिकरण को पारंपरिक बोला, किस विद्वान ने करिश्माई शब्द को बताया। तो तीन शब्द और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, नाम किसका आ जाएगा, मैक्स वेबर का आ जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा, थर्ड का सही जवाब होगा। अब देखिए प्रकाशित की गई है निम्न में से परिस्थितिकी अनुकूलन व्यक्त गेस्टाल्ट पर बल देता है। तो एक रिपोर्ट है, अब वो रिपोर्ट बताइए कौन सी है जहां परिस्थिति अनुकूल की बात कर रहा है, व्यक्ति के समग्रता पर बल दे रहा है। बेवरेज रिपोर्ट, क्यों लेन कमेटी नहीं हो सकती है? कमेटी नहीं हो सकती क्या? मेरे हिसाब से लेन कमेटी भाई, हॉरिस टेलर रिपोर्ट नहीं। परिस्थिति अनुकूल व्यक्ति के समग्रता, मतलब कोई एक व्यक्ति है उस व्यक्ति की टोटल जो वो है प्रक्रियाएं हैं उस पर वो आधारित है, तो वो प्रक्रिया लेन कमेटी रिपोर्ट की है। बेवरेज रिपोर्ट तो आपका यहाँ पे सत्य नहीं है, है ना, लेन कमेटी रिपोर्ट होगी भाई। ठीक है, सहमत हो इससे कभी कोई भी अगर है? सिराज बताओ इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अच्छा चलिए सर, कोई बात नहीं, अभी इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, शाम की क्लास में, है ना, 7 बजे वाली में। हाँ, इस पर मैं थोड़ा सा इन सभी कमेटियों पर मैं आप लोगों से रिपोर्ट पर बातचीत करूंगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, सभी पर मैं बातचीत करूंगा इस पर, ठीक है। तो शाम के आज के लिए बस इतना ही रख लीजिए आप लोग, ठीक है।